नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर मैं एक बार फिर लेकर आया हूँ संस्कृत शब्द रूप एक आसान ट्रिक्स के साथ। दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी कि सर इस जो भी मैंने पिछले दोनों वीडियो में ट्रिक्स बताई थी संस्कृत शब्द रूप बनाने की, तो ये डिमांड हो रही थी कि सर इन्हीं ट्रिकों को आप इन पर यूज करके दिखाइए, इन्हीं ट्रिकों के माध्यम से शब्द रूप बना करके दिखाइए। तो दोस्तों, मैं इस पूरी सीरीज को एक लंबी सीरीज है उसको चलाएंगे। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे मति शब्द के शब्द रूपों के इकारांत स्त्रीलिंग। तो दोस्तों, ऋषो इकारांत स्त्रीलिंग मति शब्द के रूपों को हम बनाना सीखेंगे ट्रिक्स के माध्यम से। अगर अभी तक आपने पिछले दोनों वीडियो को नहीं दिखाया तो उनको ज़रूर देख लें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिनमें संस्कृत आती हो, चाहे वो रीट हो, सीटेट हो, एसटेट हो, कोई भी, या फिर आप 10th 12th जो भी एग्ज़ाम हो, जहाँ पर भी संस्कृत आती है वहाँ शब्द रूपों की काफ़ी अहमियत हो जाती है और शब्द रूप हमेशा आते हैं, तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं इस यूजफुल वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, ये सारणी के विषय में मैं पहले वीडियो में बात कर चुका हूँ। ये सारणी है जिस पर मैंने पिछला वीडियो बनाया था, उसको आप देख सकते हैं पूरी डिटेल में। तो किस किस तरह से लगेगा मैं एक बार फिर थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी से, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और वीडियो आप पूरा देखिए करें बिना स्किप किए, जिससे कि एक बार आपने देख लिया तो ज़िंदगी में कभी भी आपको संस्कृत शब्द रूप याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप बनाना उनको सीख जाओगे बहुत आसान तरीके से, बहुत ही शानदार ट्रिक्स के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सारणी है इसमें द्वितीय तथा बहुवचन प्रत्यय जो लगेंगे शब्दों के साथ वो फिक्स हैं, वो प्रत्यय यहाँ पर लगेंगे। तो मैंने प्रथमा विभक्ति खाली छोड़ी है, उसके लिए मैं बताऊँगा। और द्वितीय विभक्ति में, जैसे द्वितीय विभक्ति में अब बात कर लेते हैं कि द्वितीय विभक्ति एक वचन में मैं, हलंत का मैं लगेगा, सभी शब्द रूपों में लगेगा ये। और यहाँ पर जो है वही आएगा जो आपने ऊपर वाली लाइन में आएगा, तो मैं बताऊँगा। और यहाँ पर विसर्ग और न लगेगा, हमने पिछले वीडियो में सारी चीज़ें बताई थी। अब दोस्तों, यहाँ पर भ्याम 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 लगेगा, ओहो ओहो जुड़ेगा, यहाँ भी, यहाँ भय भय, नाम और सु, ये प्रत्यय जो हैं वो जुड़ेंगे। अब बचता है तृतीय विभक्ति एक वचन से सप्तमी विभक्ति एक वचन तक क्या जुड़ेगा, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें कम्प्लीटली सारणी के माध्यम से बताया था क्या क्या जुड़ेगा। तो इसको भी एक बार बता देता हूँ सारणी को। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों आप कि तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या क्या लगेगा वो आप देख सकते हैं। तो ये वो सारणी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्त्रीलिंग अगर शब्द हैं, यदि इसके अंत में आ है, छोटी ई है या बड़ी ई है, तो वहाँ तृतीय विभक्ति में लगेगा या, फिर चतुर्थी में यई, पंचमी में यहा, षष्ठी में यहा और सप्तमी में याम। तो इस तरह से आप पूरी सारणी को देख सकते हैं, मैं पूरा वीडियो बड़ा हो जाएगा और इस पर पिछले वीडियो बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूंगा, आप उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, डिटेल में पूरा बहुत अच्छे से समझाया गया है। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों एक एक शब्द रूप पर इन ट्रिकों को यूज करने की। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम ट्रिक प्रारंभ करते हैं। बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बहुत आसान आसान ट्रिक हैं। तो देखिए पहली ट्रिक, प्रथमा विभक्ति एक वचन में। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन की एक बहुत आसान सी ट्रिक है, लेकिन इसकी एक शर्त है, छोटी मात्रा होने पर, यानी कोई भी शब्द जिसके अंत में छोटी मात्रा है। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में नियम रहेगा और ट्रिक रहेगी, छोटों को दो रुपये देकर बड़ा बना दो, यह बना दो, वह बना दो। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये ट्रिक है प्रथमा विभक्ति क्वेश्चन की, छोटों को दो रुपये देकर बड़ा बना दो, यह बना दो, वह बना दो। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर छोटों से मतलब है छोटी मात्रा से, यदि छोटी मात्रा है किसी शब्द के अंत में तो वहाँ पर देखिए, जैसे हम बात कर लेते हैं मति, तो मति में अंत में छोटी ई है, ठीक है। जैसे हम बात कर लेते हैं गुरु, गुरु के अंत में छोटा ऊ है। जैसे हम बात कर लेते हैं कोई भी शब्द, जैसे धेनु, धेनु के अंत में छोटा ऊ है। तो यहाँ पर विशेष तौर पर ये ई और ऊ के संदर्भ में
होती है, तो छोटा ई है या छोटा ओ है तो क्या करना है? यदि किसी शब्द के अंत में छोटा ई है तो छोटों को दो रुपये देकर बड़ा बना दो। तो ध्यान दीजिएगा, छोटा ई है या छोटा ऊ है तो छोटों को दो रुपये देकर बड़ा बना दो। तो यहाँ पर जैसे मति शब्द है तो एक वचन में क्या करेंगे, मति है तो इसको दो रुपये दे दो, एक रुपया और दो रुपया, यानी विसर्ग, ठीक है, दो बिंदी लगा देंगे। और बड़ा बना दो, दो रुपये देकर बड़ा बना दो, तो एक वचन में ये लगा दिया, दो रुपये दे दिए, द्विवचन में उसको बड़ा बना देंगे। बड़ा बनाने का मतलब मति क्या हो जाएगी, बड़ी मति, छोटी की मात्रा को बड़ी ई की मात्रा में बदल देंगे। और बहुवचन में क्या कर देंगे, यह बना दो वह बना दो। अब आप जानते हैं कि ऋण संधि जब हम करते हैं तो ई का यह होता है और ऊ का वह होता है, तो यहाँ पर ई है लास्ट में, तो ई को हटाएंगे, ई के स्थान पर यह लगा देंगे, तो बनेगा क्या, बहुवचन बता रहा हूँ, ई हटा दिया, मैं तय, और बनेगा यह, तो बनेगा मत यह, तो मति ही, मति, मत यह, इस तरह से रूप बनेंगे। तो जैसे अब ऊपर बात कर लेते हैं, तो जैसे कि देखिए धेनु है, छोटा ऊ की मात्रा है, तो छोटों को दो रुपये दो, दो रुपये दे दो, विसर्ग लगा दो, तो दो रुपये देकर बड़ा बना दो, बड़ा बनाएंगे तो धे नुहू, ठीक है, और यह बना दो वह बना दो, ऊ का बनता है वह, तो बनेगा क्या ये, धे ने, ऊ हट जाएगा और बनेगा वह, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ वह, तो बन जाएगा धेन वह। तो दोस्तों बहुत आसान सी ट्रिक है, याद हो जाएगी आसानी से, छोटों को दो रुपये देकर बड़ा बना दो, यह बना दो वह बना दो। अगली बात करते हैं द्वितीय बहुवचन में। द्वितीय बहुवचन में दोस्तों आपको पता ही है कि बाकी उदाहरणियों में आप देख लेना, बाकी तो सब में सेम लगती ही है, लेकिन द्वितीय बहुवचन में कुछ चेंज होता है। तो यहाँ पर एक ट्रिक है, स्त्रियों का अधिकार है बड़ी होकर के बिंदी लगाना, यानी कोई भी लड़की बड़ी होकर के क्या लगाती है, बिंदी, और पुरुष को बड़े होने पर अगर बिंदी लगाने की कहेंगे तो वो कहेगा ना, और जिद करोगे तो हाथ में क्या ले लेगा, डंडा ले लेगा। तो बहुत आसान सी है, बहुत एक तरह से फनी ट्रिक है। तो देखिए, स्त्रियों का अधिकार है बड़ी होकर के बिंदी लगाना, यानी कोई भी स्त्रीलिंग शब्द यदि द्विवचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन की बात करें तो वहाँ पर क्या लगेगी, बिंदी लगेगी, लेकिन कैसे, बड़ी होकर के, यानी उसकी मात्रा को क्या करेंगे, बड़ी करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मति शब्द है तो स्त्रीलिंग शब्द है, तो क्या करेंगे, स्त्रियों का अधिकार है बड़ी होकर के बिंदी, इसको द्वितीय बहुवचन में क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे, ये लो साहब बड़ी हो गई, और क्या लगा देंगे, बिंदी लगा देंगे, तो बिंदी, आप बिंदी का मतलब जानते हो, ये लो दो बिंदी लगाएंगे, मति ही, ठीक है। तो ये बनेगा द्वितीय विभक्ति बहुवचन का। और बात करें पुरुषों की, तो पुरुष बड़े होने पर बिंदी नहीं लगाते हैं, और उनको हम कहते हैं बिंदी लगाने की तो कहेंगे ना, और जिद करेंगे तो हाथ में डंडा ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी शब्द लेते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया शब्द गुरु ले लिया, तो देखिए दोस्तों गुरु शब्द जो है उसमें छोटे ऊ की मात्रा होती है, लेकिन हम द्वितीय बहुवचन में जाएंगे तो इसको पुरुष को क्या कर देंगे, बड़ा, तो क्या हो जाएगा, बड़ा, तो ये हो गया बड़ा, ठीक है। अब इससे कहेंगे बिंदी लगा लो तो ये कहेगा ना, ठीक है, और जिद करेंगे तो हाथ में डंडा ले लेगा, डंडा मतलब ये हलंत लास्ट में, तो बनेगा गुरुन, ठीक है। तो इस तरह से बहुत आसान ट्रिक है, मैंने पिछली वीडियो में भी यही बताई भी थी। अगली ट्रिक हम बात करते हैं षष्ठी विभक्ति बहुवचन की। सारी ट्रिक्स को मैं एक वीडियो में बता रहा हूँ, जिससे कि अगले आने वाले वीडियो में आपको परेशानी ना हो। थोड़ा बड़ा होगा वीडियो, लेकिन आप पूरे वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में देखिए, आपने बहुत सी जगह देखा होगा कि बहुत से शब्द रूपों में नाम जुड़ता है, बहुत से में नाम जुड़ता है। अब ये नाम कहाँ जुड़ेगा और नाम कहाँ जुड़ेगा, तो इस पर मैं बता देता हूँ। यदि किसी शब्द के अंत में रे, री और स, रे ऋषि वाला री और स ये हों, तो वहाँ क्या लगेगा, णाम, ठीक है। और भी अगर इसको सरल शब्दों में समझे हो, तो अगर किसी शब्द में र है तो र होने की वजह से संस्कृत में एक सूत्र है, अट कुपवांग नुम वैवाए अपि रसभ्याम नौणे समान पदी, ये दोनों सूत्र जो हैं, ये दोनों सूत्र यही बनाते हैं कि न का णय हो जाता है। तो इस तरह आप शॉर्ट में समझें कि अगर र है तो र के बाद न का क्या हो जाता है, णय, तो बनेगा णाम, और अगर र नहीं है तो लिखा जाएगा नाम, ठीक है। जैसे रामानाम, तो रामानाम में रह होने की वजह से नाम आया है, लेकिन हमने कवि नाम, कवि में नहीं है इसलिए कवि नाम होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो
गुरु नाम, गुरु में रह है इसलिए नाम आया है। ठीक है दोस्तों, अगली बात कर लेते हैं हम सप्तमी विभक्ति बहुवचन की। तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन की ट्रिक्स बहुत आसान है, बालक बन गया दूल्हा। देखिए बहुत आसान है, बहुत फनी ट्रिक है, बालक बन गया दूल्हा और दूल्हा चलता है सीधा। बालक क्या बन गया? दूल्हा, और दूल्हा चलता है सीधा। और दूल्हे के अलावा बाकी सब क्या होते हैं? बाराती। और बाराती कैसे चलते हैं? टेढ़े मेढ़े। तो यही समझने वाली बात है। देखो दोस्तों, आपने बहुत सी जगह देखा होगा कि बहुत सी जगह सप्तमी विभक्ति में ये वाला सू लगता है बहुवचन में, सप्तमी बहुवचन में, और बहुत से शब्द रूपों में ये वाला सू लगता है। कन्फ्यूजन ये रहती है कि ये लगेगा या ये लगेगा, तो ये कन्फ्यूजन मैं आपकी सदा मदा के लिए समाप्त कर देता हूँ। देखिए ट्रिक याद रखिए, बालक बन गया दूल्हा और दूल्हा चलता है सीधा। बालक बन गया दूल्हा। अब यहाँ पर एक समझने वाली चीज़ ये है कि बालक, बालक के अंत में कै में क्या आता है? ए। और दूल्हा, दूल्हा के अंत में क्या आता है? आ। बालक बन गया दूल्हा, तो ए और आ दोनों के अंत, बालक और दूल्हा दोनों के अंत में आ है, ए और आ है। तो अगर कोई शब्द के अंत में ए या आ है तो दूल्हा कैसे चलता है? सीधा। और सीधा में कौन सा से आता है? ये वाला से। ठीक है, सीधे वाला से। तो हमेशा ये सू आएगा, किसी शब्द के अंत में ए या आ है तो ये वाला सू आएगा। और यदि किसी शब्द के अंत में इनके अलावा, दूल्हे के अलावा बाकी सब क्या होते हैं? बाराती। दूल्हे के अलावा बाकी सब क्या होते हैं? बाराती। और बाराती कैसे चलते हैं? टेढ़े मेढ़े चलते हैं। कोई इधर से चल रहा है, कोई यूँ चल रहा है, कोई यूँ चल रहा है, कोई बीच में से भाग रहा है। तो दोस्तों यहाँ टेढ़े मेढ़े वाला से आएगा, यानी ये षटकोण वाला से आएगा। समझ गए होंगे, मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ समझ गए होंगे इसको। तो बालक बन गया दूल्हा और दूल्हा चलता, दूल्हा चलता है सीधा, और दूल्हे के अलावा बाकी सब होते हैं बाराती। तो दोस्तों ये से का दोनों जो मैटर है उसको समझ गए होंगे आप। अगली ट्रिक हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों एक ट्रिक और है, उसके अलावा मैं बहुत सारी ट्रिक्स और बताऊंगा। देखिए संबोधन एक वचन, आपने देखा होगा संबोधन द्विवचन और बहुवचन में कोई चेंज नहीं होती है, वो ही सेम के सेम होते हैं, लेकिन एक वचन में चेंज होते हैं। ठीक है, तो एक वचन में जो चेंजिंग होगी वो कैसे होगी? तो उसके लिए ट्रिक बहुत आसान सी ट्रिक है, छोटों को गुणवान बना दो, बड़ों को छोटा कर दो। बहुत आसान ट्रिक है, छोटों को गुणवान बना दो, बड़ों को छोटा कर दो। तो देखिए दोस्तों, छोटों को गुणवान बनाने से क्या मतलब है? जैसे छोटे हैं किसी में, ई है, छोटी ई है, या इसमें एक आ शब्द है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। यदि किसी शब्द के अंदर में ई है या आ है तो उसको गुणवान बना दो, या फिर ऊ है या री है, ये सभी छोटे हैं, छोटे स्वर हैं, ऋष्व स्वर हैं, लेकिन आ स्वर दीर्घ स्वर है, लेकिन ये इसी में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप पर रूल लागू नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ई ऊ री या आ शब्द के अंत में हो तो उसको गुणवान बना दो। गुणवान मतलब गुण संधि कर दो। तो ई का गुण होता है ए, ऊ का गुण होता है ओ, और री का गुण होता है अर। ठीक है, और बड़ों को छोटा कर दो। बड़े मतलब अगर बड़ी ई है तो छोटा ई कर दो, बड़ा ऊ है तो छोटा ऊ कर दो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, छोटों को गुणवान बना दो, बड़ों को छोटा कर दो। तो ये ट्रिक्स आपको समझ में आ गई हैं। तो अब मैं सिखाता हूँ कैसे इन ट्रिक को फॉलो करते हुए हम बनाएंगे आज मति शब्द के रूप, बहुत आसान तरीके से मति शब्द के रूप। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से रूप बनेंगे। हम मति शब्द के इकारांत स्त्रीलिंग रूपों को ले रहे हैं। अगर कोई भी शब्द, अगर वो स्त्रीलिंग है और छोटा ई उसके अंत में है तो सभी के शब्द रूप इसी तरह से बन जाएंगे। अब मति की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले एक वचन की हम बात कर लें तो एक वचन में हम को पता है क्या करना है। हम यहाँ क्या होगा, यहाँ मति लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, मति। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, मति। अब मैंने ट्रिक बताई थी प्रथमा विभक्ति एक वचन के लिए, छोटों को दो रुपये देकर बड़ा बना दो। तो छोटों को क्या दे दो? दो रुपये। यहाँ पर दो रुपये दे दिए, यहाँ क्या बना दिया इसको? बड़ा बना दिया। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा लगा दी। यह बना दो, वह बना दो, तो यहाँ पर ई है इसलिए क्या बना देंगे? यह। तो यह बन जाएगा मत यह। समझ गए होगे, छोटों को दो रुपये देकर बड़ा बना दो, यह बना दो, वह बना दो। ई है इसलिए बना दिया यह, ऊ होता तो बनाती वह। यहाँ पर मैंने बताया था सारणी के माध्यम से हमेशा क्या जुड़ता है? मैं। तो देखो दोस्तों, मैं ये मति है और इसके आगे क्या जोड़ देंगे? हलंत वाला मैं, मतिम, ये बनेगा। ठीक है, और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ वही होता है जो ऊपर होता है, सेम टू सेम। यहाँ
स्त्रियों का अधिकार है बड़ी होकर के बिंदी लगाना, यहाँ पर छोटी ई है तो स्त्री का अधिकार है बड़ी होकर के बिंदी लगाना, तो बड़ी कर देंगे इसको, ये लो बड़ी हो गई। अब क्या लगा है इसका अधिकार, बड़ी होकर के बिंदी लगाना, तो ये दो बिंदी लगा दी। ठीक है, ये ट्रिक अपने यहाँ पर भी काम आ गई। अगले हम बात कर लेते हैं यहाँ से लेकर तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के लिए अभी बात करता हूँ मैं। पहले यहाँ द्विवचन पर आते हैं और द्विवचन में देखिए मैंने बताया था यहाँ जुड़ता है भ्याम भ्याम भ्याम, तो यहाँ पर होगा मति शब्द है तो यहाँ जुड़ेगा भ्याम, चतुर्थी में भी भ्याम जुड़ेगा और पंचमी में भी भ्याम जुड़ेगा, तो बनेगा मति भ्याम मति भ्याम मति भ्याम। ठीक है, यहाँ जुड़ता है ओहो, ओहो जब जुड़ेगा दोस्तों तो जड़ संधि के रूल के हिसाब से मति, मति का ई है, ई का हो जाएगा य, तो ये हो जाएगा आदत्तय, ई का होगा य, और य में ओ जुड़ेगा तो योहो बनेगा मत्योहो। ठीक है दोस्तों, और नीचे भी सेम रहेगा मत्योहो। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ हमेशा जुड़ता है भी, तो मति शब्द है, मति है, इसमें भी जोड़ देंगे मति भी, यहाँ पर मति भय, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भी मति भी होता है, यहाँ मति नाम, यहाँ हमेशा ध्यान रखना दोस्तों मात्रा बड़ी होती है जब नाम जुड़ता है तो मति नाम, और यहाँ मति सु, मैंने बताया था यहाँ पर ट्रिक थी कि बालक बन गया दूल्हा और दूल्हा चलता है सीधा, लेकिन यहाँ पर ना तो बालक का आ है ना दूल्हे का आ है, इसलिए शेष सब क्या होते हैं बाराती, और बाराती कैसे चलते हैं टेढ़े, तो मति शब्द है तो मति का मति रहेगा, और शेष बाराती में आ रहा है इसलिए बाराती वाला टेढ़े मेढ़े वाला सह लगेगा, तो यहाँ जुड़ेगा मति सु। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक यानी आधे से ज़्यादा हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ क्या जुड़ेगा, ये तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति क्वेश्चन, तो मैंने जो सारणी बताई थी जो उसमें देखिए ई कारण स्त्रीलिंग शब्दों में क्या जुड़ता है, या ये या यहा याम, ये जुड़ता है, लेकिन समस्या ये है दोस्तों क्या डायरेक्ट इनको जोड़ दे, नहीं, इसके लिए मैं एक कहानी बताता हूँ आपको, एक बहुत आसान है, इसको अदरवाइज में मत लेना, बिल्कुल एक सिंपल टाइप में ले लेना है केवल याद करने के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो यहाँ पर एक कहानी का हम सारा लेंगे। एक बार यमराज उन स्त्रियों के पास गए जिनके नाम के अंत में ई या ओ है, ध्यान देना इस कहानी को, यमराज उन स्त्रियों के पास गए जिनके नाम के अंत में ई या ओ है, तो यमराज कब गए, यमराज गए तृतीया को, उस दिन तीज थी, तो तृतीया को यमराज गए, तो वो स्त्रियां यमराज से को देख करके डर गई और यमराज को देख करके ईयों यूं 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 करने लग गई, अर्थात ई ऊ ई ऊ करने लग गई, यानी उनके नाम के अंत में ई और ऊ है, तो वो ईयों यूं करने लग गई, तो यमराज को गुस्सा आया और यमराज ने क्या किया, उनकी मैया मार दी और उनकी टांग भी तोड़ दी। ध्यान देना थोड़े से, सब अदरवाइज नहीं लेना है, केवल याद करने का एक ट्रिक है, यमराज ने उन स्त्रियों की मैया मार दी और टांग तोड़ दी। तो यहाँ पर देखिए मैया, देखिए दो शब्द हैं यहाँ पर, मैया, मैया का मतलब है मात्रा, मैया का मतलब क्या है, मात्रा, और टांग, टांग जो तोड़ दी तो मतलब है अक्षर आधा करके, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि तृतीया में यमराज आया, इस ये भी यमराज को देख करके यूं यूं करने लग गई, तो यमराज ने क्या किया, इसकी मैया मार दी, मैया मतलब मात्रा हटा दी, तो ई हट गया, और टांग तोड़ दी मतलब अक्षर भी क्या रह गया, आधा तो क्या रह जाएगा, सिर्फ ये मत। अब इसमें जुड़ेगा क्या, या ये या, अब ध्यान देना कि यमराज ने इनकी मैया मार दी और टांग तोड़ दी, तो अब ये लास्ट तक रह गया मत, मत यही रह जाएगा बस। ठीक है दोस्तों, बस अब इनमें आपको जोड़ना है या ये या याम, तो देखिए यहाँ जुड़ेगा या यही यहा यहा याम, आपको अगर ये दिक्कत है ये कैसे आए, तो मैंने वीडियो बनाया, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उसको देख लेने, आपको सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, यहाँ पर जुड़ता है या ये या यहा याम। तो दोस्तों आपके शब्द कंप्लीट हो गए हैं, अब बचते हैं, देखो यहाँ पर तो वही होता है जो ऊपर होता है द्विवचन में और बहुवचन में, जो प्रथम विभक्ति में होते हैं वही वही आता है, लेकिन एक वचन में है जो बदलाव होता है, और वो बदलाव देखिए क्या होगा, मैंने यहाँ पर ट्रिक बताई थी कि छोटों को गुणवान बना दो और बड़ों को छोटा कर दो,
तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है तो इसको गुणवान बना देंगे। ध्यान देना, गुणवान संबोधन में हमेशा आगे लगता है। गुणवान गुण मतलब गुण संधि करेंगे गुणवान में, तो मति में ई है, ई की गुण क्या होता है ए, तो क्या बनेगा ये मते, हे मते, विस्मयबोधक चिन्ह जो है ये लगाएंगे हे मते। उसके अलावा ऊपर वाला ही लगेगा हे मति, और यहाँ पर हे मतय। तो आशा करता हूँ दोस्तों बहुत इजी ट्रिक से मैंने आपको बता दिया है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएंगे। दोनों सारणियों को देखिएगा, पिछले दोनों वीडियो को देखिएगा और इन ट्रिकों को फॉलो कीजिएगा, आप हर एक शब्द रूप को बना देंगे। तो अगले शब्द रूप में आप किसको चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा, किसके ऊपर मैं शब्द बनाऊँ जिससे मैं आपको कंप्लीट आपको ये दे सकूँ। तो फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे यूजफुल कंटेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।